मैं कोमल कुमारी आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आपकी बहू और आपकी बेटी आपकी आमंत्रित कर रही है कि आप सभी कल मेरे नॉमिनेशन में आके सभी आशीर्वाद प्रदान करें हैं। स्वच्छ और सुंदर सिंहेश्वर नगरी धाम होना चाहिए। इससे इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पति से मिलती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें गरीबों की मदद। इतना सारा गड्ढा रहता है, पानी रहता है, हम महिलाओं को कपड़े उठा के चलना पड़ता है, इतना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम में मौजूद है और यह नगर पंचायत सिंहेश्वर कहलाता है। पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। पहले यह पंचायत हुआ करता था, अब नगर पंचायत है। और इस बार सबसे बड़ा मौका मिला है कि जनता द्वारा नगर पंचायत के अध्यक्ष को चुना जाना है। इस सरकार का जब यह फैसला आया तो कई ऐसे लोग आगे आए हैं और आम आवाम पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी है। सबसे पहले मैं सिंहेश्वर बाबा को प्रणाम करती हूँ, सिंहेश्वर नगरवासियों को मेरा प्रणाम। और सरकार ने जो फैसला किया है मैं उनका सम्मान करती हूँ। उनके फैसले के तहत हम बहू बेटियों को मौका मिला है घर के साथ साथ समाज में काम करने का। समाज में काम करने के बाद हम लोगों को जो घर में खुशी मिलती है उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी समाज में काम करने के तहत। और उनके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो भी समाज में विकास नहीं हुआ है वो विकास हो। ये बात बताएं, आप तो चुनावी प्रचार कर रही हैं, घर घर जा रही होंगी, आम समस्या क्या दिखती है आपको? बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी कभी तो मैं उनकी समस्याओं को देखकर एकदम से भावुक हो जाती हूँ कि इतना ज़्यादा समस्या है। कभी मतलब रोड पे इतना सारा गड्ढा रहता है, पानी रहता है, हम महिलाओं को कपड़े उठा के चलना पड़ता है, इतना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कूड़े कचरे हैं, कूड़े कचरे के इतना कीड़ा मकोड़ा होता है, बच्चों को मतलब कीड़े मकोड़े जो काटते हैं, जो कहते हैं ना चिकनगुनिया या डेंगू वगैरह, उनके तहत ही होता है। बहुत सारे बच्चे बीमार भी होते हैं जिनको देख देख के तो मेरा लगता है कलेजा फट जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि इन सब के विकास में मेरा थोड़ा बहुत हाथ हो तो मुझे बहुत सारा खुशी मिलेगा, उन लोगों का आशीर्वाद मिलेंगे, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये बात बताएं कि यह तो वादे सब करते हैं, जो भी चुनाव मैदान में आते हैं सब यही वादे करते हैं, आप में क्या खास है जो लोग आपको वोट करें? मेरा विजन है स्वच्छ और सुंदर सिंहेश्वर नगरी धाम होना चाहिए। इससे इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पति से मिलती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें गरीबों की मदद करते हुए, जिनका वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। और कभी कभी मेरा भी मन होता है कि मैं भी उनका हाथ बटाऊँ, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया है कि तुम भी अगर करना चाहती हो तो ये चीज़ करो। नगर पंचायत सिंहेश्वर के लिए मुख्य जो पार्षद हैं, मुख्य अध्यक्ष अगर बात करें तो उनके लिए आप नॉमिनेशन डालनी है, क्या कहना चाहिए? मैं कोमल कुमारी आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आपकी बहू और आपकी बेटी आपकी आमंत्रित कर रही है कि आप सभी कल मेरे नॉमिनेशन में आके सभी आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो हमें खुशी मिलेगी और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्ते। कल कितने बजे नॉमिनेशन देने के लिए आप निकलेंगे? 9 बजे। इसके साथ ही बाबा सिंहेश्वर धाम को मेरा प्रणाम।